मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनिदीपा। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जगह का नाम है भतुआ पुल, और यहाँ की सीनरी जो है बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं इधर एक्चुअली एक नदी है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे रोड क्रॉस करना है, और इस तरह से है यहाँ का पुल, आपको मैं दिखाती हूँ। नदी बहुत ही अच्छी नदी यहाँ पे है, छोटी सी नदी है बट बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे। और नदी का बहाव मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेज है नदी का बहाव। नज़र आ रही होगी क्योंकि बहुत धूप है, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा कैमरा यहाँ कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं पिक्चर। मैं कोशिश कर रही हूँ लेने का पिक्चर। आप देख सकते हैं इस तरह से है यहाँ का नेचुरल ब्यूटी, इस तरह से चट्टाने हैं, और ये नदी का पूरा सीन, ये पूरी नदी। अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि यहाँ जो रोड है ये थोड़ा सा खाली रोड है, इसलिए गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है यहाँ पे। और हम निकले हैं सुबह सुबह लॉन्ग ड्राइव पे। ये एक्चुअली धनबाद जाने का रोड है, तो हम निकले हैं कि चलो थोड़ा सा ड्राइव करके आते हैं। तो वही मैं जा रही हूँ अभी। तो हमने ये देखा पुल, तो मैं रुक गई, इसका थोड़ा सा पिक्चर ले लो। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये है एक और ब्रिज, ये है दामोदर नदी का ब्रिज, और नदी को देख के तो दिल खुश हो जाता है, इतना सुंदर लग रहा है। और जो ब्रिज है वो काफ़ी ऊंचा पे है, इसलिए नदी जो है बहुत छोटी नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, चलते गाड़ी में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप है बट हवा में ठंडक है, क्योंकि कल शाम को झारखंड में बारिश हुई थी तो इसलिए हवा ठंडी है, तो अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में। और मैं आ चुकी हूँ घर। एक्चुअली हम लोग पूरा धनबाद नहीं गए, मोहदा तक गए और फिर वापस आ गए, क्योंकि लेट हो रहा था, किशन को जाना था, तो मैंने सोचा कि जाती हूँ घर, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मैंने तैयारी नहीं कर रखा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, जाके फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है, इसलिए जल्दी से वापस आ गए। लगभग डेढ़ घंटा ड्राइव किया हम लोगों ने, उसके बाद फिर वापस आ गए। एक्चुअली किशन अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी थी, तो उनका जो ट्रेनर था उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टूर, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो थोड़ा सा हाथ ज़्यादा फ्री होगा, इसलिए हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। और मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, क्योंकि जब हमारी गाड़ी खरीदाई थी 2 साल पहले, तो मैंने प्रॉपर वहाँ के ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेके ड्राइविंग सीखा हुआ है। किशन को टाइम नहीं था उस टाइम, ऑफिस का थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो उनको नहीं मिल रहा था टाइम, तो अभी उनको थोड़ा टाइम मिला था तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ड्राइविंग सीख लेते हैं हम। तो वही किशन जाते हैं ड्राइविंग क्लास में सुबह 7:30 बजे, तो मैं भी साथ में जाती हूँ, 7:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद मैं भी किशन के साथ जाती हूँ। मैं आ गई हूँ वापस घर, और मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सत्तू भरा पराठा और दही, ये रहेगा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो मैं सत्तू भरा पराठा कैसे बनाती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सत्तू भरे पराठे में सत्तू के साथ मैंने प्याज, अदरक लहसुन और धनिया पत्ता, हरी मिर्च बारीक काट के मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अचार, आम का अचार जो मैंने घर में बनाया था, उसको इस तरह से मिक्स कर देती हूँ, और नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, सारा को मिक्स करके मसाला बनता है सत्तू भरा पराठा का स्टफ जो है सत्तू का, तो वो बनाती हूँ इस तरह से।
और मैं अचार ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो अचार नहीं भी डाल सकते, बहुत लोग अचार की जगह पे नींबू का रस डालते हैं, बट मैं अचार यूज़ करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है और मेरे घर में सबको इसी तरह का सत्तू भरा पसंद है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसको अच्छे से इस तरह से हाथ से मसल के मिक्स करती हूँ और फिर ये जो मसाला है वो रेडी हो जाता है। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, दो रोटी किशन के और दो रोटी मेरे और दही। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी अपना लंच बनाने। और जब हम ड्राइव के लिए गए थे मोहदा, तो वहाँ से हमने रास्ते में चिकन ख़रीदा था और मैं जा रही हूँ अभी बनाने चिकन मसाला और राइस। तो चिकन मसाला मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ तैयारी कर ली है। चिकन को अच्छे से धो लिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया है, गरम मसाला पीस लिया है, इतनी सारी, और प्याज भी काट लिया है, इतनी सारी तैयारी कर ली है मैंने। तो और राइस भी मेरा बन गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बनना बाकी है, मैं जाती हूँ राइस उतार के और तब मैं बनाऊँगी अभी चिकन मसाला। तो चलिए चलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है जिसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है और ये कढ़ाई में तेल गर्म हो रही है मेरी। अब कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, तब मैंने डाला है 2 सूखी मिर्च और जब सूखी मिर्च थोड़ा सा पक जाए तब मैं इसमें डालूंगी तेजपत्ता। और उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज जो मैंने कट करके पहले ही रखा था और इसको अच्छे से भूनूंगी ब्राउन होने तक। और आप देख सकते हैं मेरे जो प्याज है वो भुन गए हैं अच्छे से, थोड़ा सा और भूनूंगी, थोड़ा सा और ब्राउन होगा मेरा प्याज। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर इसे अच्छे से इसको भी भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये है मिक्स मसाला और थोड़ा सा और मिक्स मसाला डाला मैंने और इसे अच्छे से भूनूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा गल जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन मसाला, मैं यहाँ MDH का चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर और सारे मसाले डालने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से भूनूंगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। और इस तरह से चलाते हुए जब तक तेल ना छोड़े मसाले तब तक भूनूंगी। और पानी सूख चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, आप देख सकते हैं
बहुत ही अच्छे से सूख गया है पानी। तब मैं इसे चिकन डाल दूंगी। और फिर इसे डाल के अच्छे से इसको चला लूँगी ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और नमक अपने स्वाद अनुसार। और नमक डाल के इसे अच्छे से चला के और फिर इसे ढक दूंगी और इसे ढक ढक के भूनूंगी। और आप देख सकते हैं चिकन जो है वो पानी छोड़ रहा है और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे हम। मैं इसे ढक ढक के भूनूंगी और इसका जो पानी छूटेगा उसी से चिकन हमारा पकेगा। और आप देख सकते हैं ढक ढक के चिकन भून रही हूँ मैं, और चिकन का कलर कितना अच्छा आया है। और हमारा चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट पक चुका है। और थोड़ा सा ढक के भूनूंगी और आप देख सकते हैं थोड़ा देर के बाद ये अच्छी तरह से ग्रेवी वाला चिकन बन चुका है बिना पानी डाले हुए। अभी तक मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है ऊपर से, तो ये लगभग बन चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं चिकन जो है ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा है, लौंग, इलायची, दालचीनी, और उसको इसमें ऐड कर दूंगी। और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, और फिर इसे अच्छे से चला के और इसको ढक दूंगी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए। और बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा इस डिश, और उसके बाद हमारा जो चिकन मसाला है ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। और मेरा लंच हो गया है और मैंने बर्तन भी धो लिए अपना सारा, और मैं बैठी हूँ अभी, जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर वही शाम का रूटीन फिर स्टार्ट हो जाएगा मेरा, चाय बनाना किचन के लिए और फिर बच्चों के ट्यूशन। इसलिए अभी जाती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और अभी बज रहे हैं 2:45, तो बर्तन वर्तन क्लीन किया हुआ है मेरा, तो एकदम निश्चिंत से थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि उठ के फिर चाय बनाने जाना है किचन के लिए। तो बस इतना सा था मेरा आज का वीडियो। और आज वेडनेसडे का दिन मेरा इस तरह से बीता, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।